पेशवा ने अछूतों के गले में हांडी और कमर के पीछे झाड़ू बांधने का आदेश क्यों निकाला, इसे समझने के लिए यह वीडियो पूरा देखिए। प्रोफेसर अलेक्जेंडर रॉबर्टसन के लिखे ग्रंथ महार फोक द रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया ए स्टडी ऑफ अनटचेबल्स इन महाराष्ट्र, इस बुक में एक महत्वपूर्ण वाकया बताया गया है। पुणे में क्यों और कैसे महारों के गले में हांडी और कमर के पीछे झाड़ू लगाया गया था। वैसे इस बात का जिक्र अनेक विद्वानों ने भी अपने ग्रंथों में किया है, तो आइए उन यातनाओं को और उनके कारणों की लिखित जानकारी को हम इस वीडियो के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति को अपना आराध्य समझने वाले पेशवाओं के जमाने में भोग विलास अपने चरम पर था। उनके महलों में काम वासना से भरे घट कंचुकी जैसे ऐसे ऐसे खेल खेले जाते थे जिसका इस वीडियो में बताना उचित नहीं है। गूगल में यह नाम डालते ही पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। एक बार जब पहली बारिश के बाद मिट्टी की सुगंध चौहान फैल रही थी तो पेशविन बाई महल से बाहर बारिश का मजा लेने आई। तभी उसे एक और सुगंध का एहसास हुआ और वह उस सुगंध की तरफ बरबस खींचती चली गई। थोड़ा आगे जाकर देखा तो गीले जमीन पर चौड़े पैरों के निशान एक और जा रहे हैं। पेशविन ने अपना नाजुक पैर उस चौड़े पैरों के निशान पर रखा और उन पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे कुछ दूरी पर किसी के पान के थूक की पीक गिरी हुई थी जहाँ से कस्तूरी का सुगंध चौहान फैल रहा था और थोड़े ही सामने चौड़ा सीना और कसी हुई भुजाओं का मालिक गणपति नाग नामक महार पहलवान खड़ा था। गणपति नाग शनिवार वाड़े का चौकीदार था। पेशविन ने उसे देखा तो देखते ही रह गई। उसने इससे पहले इतने स्वस्थ सुंदर बलिष्ठ शरीर का पुरुष कभी नहीं देखा था। उसका मन वासना से बेचैन होने लगा। मगर गणपति नाग ने जब पेशविन को अपनी ओर घूरते हुए देखा तो वह वहां से चुपचाप निकल गए। मगर पेशविन उसका ख्याल आते ही तड़पने लगे। आखिर उसने अपने दासी को कहकर उसे बुलाने भेजा। गणपत नाग सब पकाया मगर रानी का आदेश था। वह रानी के महल में हर बुलावे पर हाजिर होने लगा। आखिर ये प्रेम संबंध के किस्से पेशवा के कानों तक पहुंच ही गए और उसका गुस्सा सौते आसमान पर चढ़ गया। पेशवा को मनुस्मृति में लिखे के अनुसार गणपति नाग को सजा तो देनी ही थी मगर साथ में महारों को भी ऐसा सबक सिखाना था जिससे वे हमेशा शर्मिंदगी में रहे। उसके आदेश पर गणपति नाग का सिर गुलटेकड़ी पर सरेआम काटा गया और साथ में 10 तरीके के बंधनों के नियम महारों के लिए बनवाए गए। मसलन उनकी सुगंधित थूक जमीन पर न गिर पाए इसलिए गले में हांडी को डालना, उनके बलिष्ठ पैरों के निशान उनके जाते ही तुरंत मिट जाए इसलिए कमर के पीछे झाड़ू बांधना, उनके बलिष्ठ शरीर कमजोर हो जाए इसलिए व्यायाम या कसरत न करने का नियम, अपनी नीची जात की हमेशा याद रहे इसलिए हाथ और पैरों में काले धागे बांधने का नियम, उनकी छाया किसी के शरीर पर ना पड़े इसलिए सुबह और शाम को रास्तों से ना गुजरने का नियम, ब्राह्मण दिखते ही जमीन पर गिरकर जोहार करने का नियम, कपड़े घुटने के नीचे तक ना पहनने का नियम, सार्वजनिक जगह से पानी ना भरना और ना ही पीना, पक्के घर में ना रहना, गांव के कुएं के पास से जाना है तो घुटने के बल रेंगता हुआ जाना और अगर किसी ने इसका विरोध किया तो उनके सिर कलम करने के आदेश निकाले गए।
और महारों को हमेशा के लिए उनकी फौज से निकाल दिया गया और शनिवार वाड़े का रास्ता महारों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद महार गुल टेकड़ी की तरफ ममत्व से देखने तो लगे, मगर इन नियमों का वे कभी विरोध नहीं कर सके। इस घटना के बाद पेशवा कभी चैन से नहीं रह सका। गणपति उसके सपने में दिखने लगा और उसका डर उसे सताने लगा। आखिर उस डर को खत्म करने के लिए उसने गणपतिनाथ का मंदिर शनिवार वाड़े के पूर्व दिशा में बनाया, जिसे आज भी महारों का गणपति कहा जाता है। इस बात का उल्लेख अलेक्जेंडर रॉबर्टसन ने अपनी पुस्तक में किया है। किसी एक के किए की सजा पूरे समाज को देने का काम दुनिया में कहीं नहीं हुआ, मगर सजा तो बस एक नाम था। उन्हें तो नागवंशियों को जिंदा रखकर मुर्दा बनाने की मिसाल कायम करनी थी, ताकि भविष्य के लिए वो चैलेंज न बन पाए। शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध अपना मोर्चा खोला तो उन्होंने छोटी छोटी 18 जातियों को एक साथ लाया और उनमें भी यहाँ के महारों को युद्ध में काम में अग्रणी रखा। महार उनके फौज के सबसे बड़े आधार स्तंभ थे। महारों को जंगल के मार्ग, पहाड़ियों पर, किलों पर, गुप्त रास्तों पर नजर रखना, किलों पर रहने वाले सैनिकों पर नजर रखना, उनकी पहरेदारी करना, उन्हें खाने की सामग्री पहुंचाना, ऐसे सबसे महत्वपूर्ण काम दिए हुए थे। और उनके सिवाय भी कई महार नवयुवक फ्रंट पर लड़ने वाले उनके प्रमुख योद्धा थे। तब महारों को नाइक कहा जाता था, जो बाद में नाग में परिवर्तित हुआ। मगर जैसे ही छत्रपतियों के हाथ से सत्ता फिसल कर पेशवाओं के हाथों में आ गई, ऊंच नीच का प्रचार शुरू हुआ। पेशवा जो कोकणस्थ ब्राह्मण थे, वे इतर ब्राह्मणों को भी तिरस्कार की नजरों से देखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने छत्रपति और देशस्थ ब्राह्मणों की भी अनदेखी करना शुरू किया और सारे उच्च पदों पर कोकणस्थों को ही स्थान दिया, जिस कारण उन्होंने अपने कायदे चलाने शुरू किए जो मनुस्मृति में लिखे थे। फौज में तब भी महार योद्धा प्रथम पंक्ति के योद्धा कहलाए जाते थे। वे बलिष्ठ थे और यही डर पेशवाओं को सता रहा था। उन्हें पता था शिवाजी महाराज के वक्त के इन योद्धाओं का खून गर्म है। ये मेहनती, प्रामाणिक और आत्मसम्मानी भी है। अगर इनकी ताकत को कम नहीं किया गया तो भविष्य में ये लोग उनकी पेशवाई का खात्मा कर सकते हैं। महात्मा फुले ने महार का अर्थ बताते हुए लिखा है, कभी ना हार मानने वाला महाआरी, यानी महान शत्रु। इसलिए कुछ भी करके इनके आत्मसम्मान को इतना कुचल दो, इन्हें इतने बंधनों से बांध दो जिन्हें वे कभी खोल ना सके। और तभी से वे मौके की तलाश में लग गए और एक दिन वह मौका गणपतिनाग और पेशविन के प्रेम प्रसंग से मिल ही गया, जो आपने वीडियो में पहले देखा, जो 1 जनवरी 1818 के भीमा कोरेगांव के युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने राज संभाला तब जाकर खत्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।